अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ भी के किचन में वेलकम। आज हमारे किचन में बन रही है लौकी का रायता, जो कि बहुत ही सिंपल आसान रेसिपी हम आपको सिखाएंगे जो आपने अब तक नहीं देखी होगी। और इसको आप गर्मियों में बनाइए, इसका छिलका आपने उतारना है बहुत आसानी से, और फिर उसके बाद इसको कद्दूकश करके हम उबालेंगे और बहुत ज़रा से पानी में उबलेगी। फिर उसके बाद दही में क्या क्या मिलाना है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? और फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। ये आधा किलो की मैंने यहाँ पे लौकी ली है जिसको मैं कद्दूकश कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ भी के किचन में खुश आमदीद। हम बना रहे थे लौकी का रायता, जिसके लिए हमें अज्जा दरकार थे, बहुत ही कम अज्जा में। ये आधा किलो लौकी है, आधा किलो ही दही है, और हरा धनिया है, और सिर्फ मसालों में जाएंगे नमक, काली मिर्च आधा चम्मच और आधा चम्मच गरम मसाला, नमक टू टेस्ट है, और बघार जो हम बनाएंगे उसमें हमें 2 चम्मच घी, उसमें आधा चम्मच ज़ीरा, 5 लहसुन की कलियां और कड़ी पत्ता चाहिए होगा। चले हम फिर बघार बनाना शुरू करते हैं। दरमियानी आँच पे हमने चूल्हा गरम कर लिया, पैन गरम कर लिया, उसमें हम अपना बघार का सामान डालते हैं। मैं अभी साफ कर लेती हूँ। और दही में जब तक ये बघार बन जाए हमारा बघार रेडी हो रहा है। उसको नॉर्मल हमें गोल्डन ब्राउन करना है, बस इतनी देर में मैं आधा किलो दही में ये तीनों मसाले शामिल करते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। ये दही घर का बना हुआ है, और इसमें हम शामिल करेंगे छिली हुई और फ्रेश हुई हुई उबली हुई लौकी, और इस तरह हमारा बघार रेडी है। तो हम चूल्हा ऑफ कर देते हैं, बस हमारा चूल्हे का काम ख़त्म हो गया। अब ये हमारी 1/2 लीटर जो लौकी है ये तैयार है, इसमें हमने मसाला मिला दिया है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब हम ये वाला अपना तैयार बघार इसमें डाल के आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। जी नाज़रीन, ये हमारा लौकी के रायते की फाइनल लुक है। इसको आप रोटी के साथ खा सकते हैं, चावलों के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, और गर्मियों में एक साइड डिश के तौर पे और मुकम्मल मील के तौर पे भी आप इसको खा सकते हैं। इसी के साथ हमारा वक्त ख़त्म होता है। अब हम इजाज़त चाहते हैं आपसे, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला किसी नई रेसिपी के साथ।